एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एडू आवर के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर मैं आपके साथ हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, फटाफट से बिना देरी किए बस हम हमारा आज का ये क्वेश्चन सेशन शुरू करते हैं। तो लेते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन सुनने हैं और उसके बाद आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिख दे रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकेंड का समय मिलेगा और अपने आंसर इस टाइम पीरियड में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फटाफट से लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष सेवा सेक्टर किस प्रकार का व्यवसाय है। दोस्तों, बहुत ही कन्फ्यूजेबल सा क्वेश्चन है ये, हमारे रीट एग्जाम से रिलेटेड है और उसमें एक क्वेश्चन टॉपिक है हमारे मानव विकास, है ना। मानव विकास से संबंधित एक टॉपिक आता है, मानव संसाधन से संबंधित एक टॉपिक आता है और उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष सेवा सेक्टर किस प्रकार का व्यवसाय है। चतुर्थक, तृतीयक, द्वितीयक या इनमें से कोई भी नहीं। टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या इसका आंसर होगा, प्रत्यक्ष सेवा क्षेत्र किस प्रकार का व्यवसाय है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, प्रत्यक्ष सेवा क्षेत्र यानी प्रत्यक्ष सेवा सेक्टर किस प्रकार का व्यवसाय है, फटाफट से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। टाइम आपका समाप्त हो रहा है, जल्दी से लिख दीजिए, टाइम सीमित है आपका, जल्दी से आंसर कंप्लीट करो। अब दोस्तों, यहां अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ओवरऑल यदि हम देखते हैं तो हमारा जो व्यवसाय है, मानव की जो आर्थिक क्रिया है, वो कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है देखना एक बार, एक होती है प्राथमिक, एक होती है द्वितीयक और एक होती है तृतीयक। प्राथमिक की जब हम बात करते हैं तो इस प्राथमिक व्यवसाय में वे व्यवसाय आते हैं जो भूमि के उपयोग से रिलेटेड होते हैं, द्वितीयक व्यवसाय में वे व्यवसाय आते हैं जो उद्योग होते हैं और तृतीयक व्यवसाय में दोस्तों आती हैं सेवाएं। अब ये जो सेवाएं होती हैं ये तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होती है प्रत्यक्ष सेवाएं जिन्हें मनुष्य खुद हर दिन प्रतिदिन प्राप्त करता है। कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो द्वितीयक और तृतीयक सेवाएं होती हैं जिनकी मानव को कभी कभी आवश्यकता पड़ती है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें मानव आर्थिक क्रियाओं की तो 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हो गई हैं, जिनमें से पहला हो गया प्राथमिक, द्वितीय हो गया उद्योग और तृतीय हो गया सेवा और चतुर्थक भी सेवा और पंचम भी सेवा। लेकिन इनमें से जो तीसरा सेवा का प्रकार है, जैसे परिवहन है, लेखक है, चिकित्सक है, वकील है, इंजीनियर है, संचार है, ये सब किस में आते हैं, प्रत्यक्ष सेवा सेक्टर में आते हैं और इसको हम किस श्रेणी में रखते हैं, तृतीयक श्रेणी में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, विनिर्माण उद्योग किस व्यवसाय से संबंधित है। दोस्तों, विनिर्माण उद्योग किस व्यवसाय से संबंधित है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है फटाफट से, टाइम आपका सीमित है, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। विनिर्माण उद्योग जो है हमारा वो किस प्रकार का एक व्यवसाय है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमारा विनिर्माण उद्योग किस प्रकार का व्यवसाय है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। यहां यदि हम बात करते दोस्तों विनिर्माण उद्योग के बारे में तो विनिर्माण उद्योग जो आता है हमारा ये किस प्रकार का उद्योग है, द्वितीयक व्यवसाय है। ये विनिर्माण उद्योग कैसा है, द्वितीयक व्यवसाय है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। टाइम मैंने शुरू कर दिया है, फटाफट से आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय नहीं है, आखेट, संग्रहण, व्यापार या पशुपालन। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर अपना लिख दीजिए कि कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय नहीं है, आंसर बॉक्स में फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर अपना लिख दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो रहा है, टाइम सीमित है, समाप्त हो गया। अब यहां यदि हम बात करते हैं कि कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय नहीं है तो दोस्तों इनमें से जो व्यापार है ना, व्यापार, ये व्यापार हमारा प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आता है। और ये व्यापार आता है किस श्रेणी में, व्यापार आता है हमारी प्रत्यक्ष सेवा में, है ना, यानी कि तृतीयक क्षेत्र में आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का आयोजन कहाँ हुआ था। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से आंसर दे दीजिए, टाइम मैं आपका शुरू कर चुका हूँ, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो।
पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जो 1992 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। रियो डी जेनेरियो, जिनेवा, स्विट्जरलैंड या कोपेनहेगन। टाइम आपका सीमित है, जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका कि क्या आंसर होना चाहिए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहाँ यदि हम बात करते हैं इस पृथ्वी शिखर सम्मेलन की, तो ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये आयोजित हुआ था ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो, पुरानी राजधानी है ना, अभी तो ब्राजीलिया इसकी नई राजधानी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन हुआ था, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पे जापान, वियना, जिनेवा और कनाडा, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन चारों ही ठीक नहीं लगते हैं मुझे, और इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है स्पेन। यानी विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, ध्यान रखना है, जो जापान, वियना, जिनेवा, कनाडा नहीं, तो ये स्पेन होना चाहिए इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन में से उठाए हैं, लेकिन मैं देखता हूँ एक बार इसको क्लियर करके मैं आपको आंसर और बता दूंगा। मुझे लगता है कि इसका आंसर स्पेन होना चाहिए, ठीक है, तो एक बार इसे क्लियर कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको आंसर अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी मैं बता देता हूं आपको, आपको सर्च करना है ज्योग्राफी, GEOGRAPHY और लास्ट में फिर HOUR। ये दोस्तों चैनल नहीं है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप मैंने आप ही के लिए बनाया है, इसमें आप अपने किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अम्लीय वर्षा का सूत्र है, क्वेश्चन अच्छा है ये, आप आंसर दे दीजिए फटाफट से। अम्लीय वर्षा का सूत्र क्या है, SO2 प्लस NO2, H2SO4, NO2 प्लस SO4, HNO3 प्लस SO4, SO, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अम्लीय वर्षा का सूत्र क्या होना चाहिए, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो रहा है, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो गया है दोस्तों। अब यदि हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा का सूत्र क्या है, तो अम्लीय वर्षा का सूत्र SO2 NO2 H2SO4, तो यहाँ पे अम्लीय वर्षा का सूत्र है H2SO4 दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि SO2 भी अम्लीय वर्षा में सहायक है, NO2 भी अम्लीय वर्षा में सहायक है। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे अगर प्लस का निशान नहीं आता, SO2 प्लस NO2, तो यहाँ पे प्लस ने या खेल बिगाड़ दिया है, तो इस वजह से राइट आंसर जो होगा वह H2SO4 ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अम्लीय वर्षा के जल का pH का मान क्या होता है, ओके टाइम आपका शुरू हो चुका है, फटाफट से आंसर दे देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि अम्लीय वर्षा जो होती है, इस अम्लीय वर्षा के pH का मान क्या होगा, 5 से 2.5, 5 से 7.5, 7.5 से अधिक और 2.5 से कम, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अम्लीय वर्षा के पीएच का मान क्या होगा, टाइम आपके पास सीमित है, टाइम तो हो गया यार, मैं सीमित बोल रहा था, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे ये याद रखो कि पानी जो होता है, जो बारिश जो होती है, जैसे ही बारिश में गिरने वाले जल के पीएच का मान यदि गिर जाएगा, है ना, तब गिरने के कारण से पानी क्या हो जाएगा, अम्लीय। यदि जल के पीएच का मान बढ़ता है तो जल कैसा होता है, क्षारीय। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जल का मान क्या होता है, गिर जाता है और जल कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। दोस्तों आपको पता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो आरओ का पानी यूज करने के लिए मना करते हैं, आरओ का पानी, है ना। हाँ, मिनरलाइजर अगर आपके घर में है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन आरओ का जो पानी है वो क्या कर देता है, पानी को अम्लीय बना देता है उसकी लवणता को दूर करने के चक्कर में। यानी कि हम एक्चुअल में पानी नहीं, फिर एसिड पी रहे होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उसका पीएच का मान इतना नहीं होता है कि वो अम्ल हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, लेकिन ये नुकसान पहुंचाता है धीमी गति से, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम आप आरओ यूज़ कर रहे हैं तो एक ऐसे आरओ का यूज़ करें जिसमें मिनरलाइजर हो, और साथ ही आप अपने आरओ के TDS का जो लेवल है, TDS का जो मान है, उस TDS का जो लेवल है वो बढ़ा के रखें, ठीक है। यानी मोस्टली 150 से अबव रखें। मैं मेरे आरओ का यानी मेरे मिनरलाइजर के पीएच का मान 300 रखता हूँ, 300। उससे पानी अम्लता नहीं आती और पानी का टेस्ट भी
चेंज नहीं होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 से 2.5 तक। तो इतना जल का पीएच मान गिर जाता है तो ये एसिड बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, किसी भौतिक माध्यम द्वारा वस्तुओं या व्यक्तियों का किसी स्थान पर स्थान। वाव दोस्तों, क्या क्वेश्चन है, क्या ही क्वेश्चन है। किसी भौतिक माध्यम द्वारा वस्तुओं या व्यक्तियों का किसी स्थान पर स्थानांतरण को क्या कहेंगे, प्रवास कहेंगे, परिवहन कहेंगे, संचार या उपयुक्त सभी। फटाफट से आंसर देना है दोस्तों। देखो इजी क्वेश्चन है लेकिन कन्फ्यूजेबल है, इजी क्वेश्चन है लेकिन कन्फ्यूज करने वाला है। किसी भौतिक माध्यम के द्वारा वस्तुओं या व्यक्तियों के स्थानांतरण को हम क्या कहेंगे, तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा परिवहन। ध्यान रखना है दोस्तों, आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। अभी लॉकडाउन है, स्टूडियो हमारा बंद है, जैसे ही स्टूडियो ओपन होगा तो मैं आपको लाइव क्लास भी मैं आपकी लूँगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं आपके लिए निरंतर ये प्रयास मेरा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी अपनी स्टडी के साथ बनाए रखें और आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से अपने पढ़ाई को हाई लेवल पर लेके जाएं, ताकि आपके एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर पाएं। ठीक है, यहाँ पे मेरा कोई उद्देश्य YouTube का मतलब YouTube चैनल को ग्रो करना वैसा कुछ भी नहीं है। बस क्योंकि अब आप सोचो कि मुश्किल से मुझे 10-15 के बीच में लाइव देखते हैं, तो फिर मैं ये सोचूं कि यार छोड़ना, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, लेकिन मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो आप सिलेक्शन देंगे मुझे तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिप्रणाली, इसका आंसर तो मैंने बता दिया था। हाँ, त्रिप्रणाली किस नहर में बनाई गई है। त्रिप्रणाली दोस्तों ये थोड़ा सा क्या है, अलग सा क्वेश्चन है। त्रिप्रणाली इसको हिंदी वर्जन कर दिया है। अब इसको यदि मैं इंग्लिश में लिख दूंगा तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे। तो अब इसको मैं इंग्लिश में लिख ही देता हूँ, लेकिन फिर भी याद रखना त्रिप्रणाली क्या होता है। ये दोस्तों क्या होता है कि लॉक सिस्टम जब किसी नहर पर निर्मित किए जाते हैं, लॉक सिस्टम है ना, जहाँ पे ऐसी नहर जिस पर ब्रिज बना हुआ होता है, ये ब्रिज ऐसा होता है कि जब किसी परिवहन साधन का गुजरना होता है तो ब्रिज को बिछा दिया जाता है, और जब जहाज गुजरते हैं तो ब्रिज को उठा लिया जाता है। तो ये त्रिप्रणाली जो है वो पनामा नहर में निर्मित की गई है, ध्यान आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग कौन सा है। दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये मानव संसाधन से संबंधित है। आप ये मत सोचिए कि विश्व में परिवहन तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो दोस्तों ये वास्तव में मानव विकास के सूचक होते हैं, ये परिवहन वगैरह, यानी ये हमारी क्या है, सुविधाओं से रिलेटेड है। तो विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग आपको बताना है कि कौन सा है। टाइम समाप्त हो गया है, अब इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। उत्तर अटलांटिक समुद्री जलमार्ग ये विश्व का व्यस्ततम परिवहन समुद्री जलमार्ग है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। वाओ, इजी क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन। रोपण फसल कौन सी नहीं है बताओ, कॉफी गेहूं गन्ना चाय कौन सी इनमें से नहीं है रोपण कृषि। आंसर फटाफट से दे दो, जल्दी से आंसर दे दो। टाइम आपका समाप्त हो गया है, दे दो आंसर देना है, बस तो देना ही है, टाइम आपका समाप्त हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों इजी है वैसे, ये रोपण फसल नहीं है, कॉफ़ी गेहूं गन्ना और चाय। तो इसमें गेहूं जो फसल है ना, गेहूं कैसी है, खाद्यान्न फसल है, ये रोपण में नहीं आती है। और एक्चुअल में आपको बताऊँ, ये तीनों ही जो फसलें और जो शेष रह गई ना, कॉफ़ी गन्ना चाय, ये तीनों हैं तो रोपण कृषि के अंतर्गत, लेकिन वास्तव में रोपण से ज़्यादा बेस्ट आंसर होता है बागाती, ये ध्यान रखना। तो ये बागाती फसलें हैं, है ना, ये बागाती फसलें हैं। बागाती फसलें हम उन रोपण फसलों को कहते हैं जिन्हें बार बार में रोपा जाना होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का व्यवसाय कौन से क्षेत्र में किया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है, आपको बताना है कि व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का व्यवसाय कौन से क्षेत्र में किया जाता है। कोणधारी, भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय या इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दोस्तों आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। समय कैसा भी चल रहा हो, लेकिन समय अच्छा बुरा नहीं होता है, हमारी परिस्थितियाँ
अच्छी बुरी हो सकती हैं, है ना। समय हमेशा एक जैसा रहता है, परिस्थितियां थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर उन परिस्थितियों में हम डटकर हमारी उन परिस्थितियों से लड़ जाते हैं तो बस हम बन जाते हैं विजेता, और आपको वही बनना है। तो व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर है कोणधारी वन, है ना, ध्यान रखना है। भूमध्य सागरीय जो वन हैं या उष्ण कटिबंधीय जो वन हैं उनमें क्या लकड़ी का आर्थिक महत्व नहीं होता है, कारण है क्योंकि उनकी जो लकड़ी है वो हार्ड होती है, और पर्वतीय क्षेत्रों में कोणधारी वनों में जो लकड़ी पाई जाती है वो सॉफ्ट होती है, और बहुत ही बड़ा व्यापारिक महत्व है। और वन काटने के लिए यहाँ पे व्यापारिक स्तर पर कार्य किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, वह देश जिसमें कच्चे माल न्यून होने पर वह देश जिसमें कच्चे माल न्यून होने पर भी उद्योगों का विकास हुआ है, बताओ दोस्तों जरा कौन सा वह देश होगा जिसमें कच्चा माल न्यून है, बहुत ही सीमित है, मतलब ऐसा समझो सीमित क्या, ना के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद उस देश ने अपने आप को उद्योगों के विकास में बड़ा सुदृढ़ किया है। राइट आंसर तो आपको नजर आ ही रहा है, राइट आंसर है जापान, है ना, ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनोपज आधारित उद्योग है, वन उपज आधारित उद्योग है, टाइम आपका शुरू है, चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग या एलुमिना उद्योग, आपको आंसर देना है कि इनमें से वनोपज आधारित उद्योग कौन है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि वन उपज आधारित उद्योग कौन सा है, वनोपज आधारित उद्योग कौन सा है, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, टाइम आपका समाप्त हो गया है। अब वनोपज आधारित जो उद्योग है वो कौन है दोस्तों, इनमें से वनोपज आधारित उद्योग है चीनी, कागज उद्योग, है ना, ये ध्यान रखना है। चीनी तो कृषि आधारित हो गया और वनोपज आधारित हो गया कागज उद्योग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी देश कौन सा है, ये मानव विकास मानव संसाधन से संबंधित क्वेश्चन है मोस्टली, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी देश इनमें से कौन है, यूएसए, जापान, कनाडा और कीनिया, या केन्या बोलते हैं हिंदी में, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या आंसर होगा विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी देश का, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। दोस्तों याद करो यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व की बात, जब हमारा विश्व, है ना, विश्व, जब विश्व में औद्योगिक क्रांति आई और जब विश्व में नई दुनिया की खोज हुई, नई दुनिया की जब खोज हुई तो बहुत बड़े क्षेत्र पर, विशेषकर यूएसए के बहुत बड़े क्षेत्र पर प्रवासियों का आगमन हुआ, बहुत ही बड़े क्षेत्र पर, और यूएसए वो देश है जहाँ पर अपनी मूल जनसंख्या की तुलना में 90% से अधिक जनसंख्या यूरोपियन कंट्रीज़ की रहती है, तो ऐसे में शरणार्थी देश के रूप में कौन बना सबसे बड़ा, यूएसए बना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। एक ही देश या राज्यों के विभिन्न प्रदेशों की ओर होने वाले प्रवास को क्या कहते हैं, इजी क्वेश्चन है, मानव संसाधन से ही संबंधित ये क्वेश्चन है, प्रवास आपको बताना है कि एक ही देश में जब एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर प्रवास होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, आप्रवास, उत्प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्देशीय। प्रवास तो आप समझते ही हैं, अपने उद्गम स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थान की ओर जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है, और जब किसी स्थान की ओर प्रवास हो तो उसको आप्रवास कहते हैं, जब किसी स्थान से प्रवास हो तो उसको उत्प्रवास कहते हैं, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के भीतर हो तो अंतर्राष्ट्रीय, और एक ही देश के विभिन्न राज्यों के भीतर हो तो अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक वृद्ध व्यक्ति किस प्रदेश में यानी किस देश में पाए जाते हैं, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको बताना है कि विश्व में सर्वाधिक जो व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, किस देश में मिलते हैं, यानी कि 50 वर्ष से अधिक की आयु के जो व्यक्ति हैं वो कहाँ मिलते हैं, भारत, जापान, चीन, दक्षिण अफ्रीका, टाइम आपका समाप्त हो रहा है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जापान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्च नगरीय जनसंख्या, टाइम मैं शुरू कर देता हूँ, इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि उच्च नगरीय जनसंख्या किस देश में पाई जाती है, मिस्र, सिंगापुर, बांग्लादेश या भारत, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उच्च नगरीय जनसंख्या कहाँ देखने को मिलेगी, मिस्र, सिंगापुर, बांग्लादेश, भारत, टाइम आपका समाप्त हो रहा है, हो गया है। अब दोस्तों यहाँ यदि हम बात करें उच्च नगरीय जनसंख्या के बारे में तो ये सिंगापुर में मिलती है ना, सिंगापुर पूर्ण नगरीकृत देश है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनसंख्या घनत्व में कायिक घनत्व या कृषि क्षेत्रीय घनत्व का सूत्र क्या होगा? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जल्दी से आंसर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो दोस्तों। एक्टिव रहो, एक्टिव, ठीक है, आप एक्टिव रहो, आप एक्टिव रहो और बस फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो। क्या होगा कायिक घनत्व? कायिक घनत्व, टाइम आपका समाप्त हो चुका है यहाँ पे। अब दोस्तों यदि हम बात करें कि जनसंख्या घनत्व में कायिक घनत्व को क्या होता है, तो देखो दोस्तों ऐसा है कि ये जो जनसंख्या, पहला जो ऑप्शन है ए, इसमें जनसंख्या भाग कुल क्षेत्रफल आता है, तो उसको हम बोलते हैं आंकिक जनघनत्व, आंकिक जनघनत्व। और कुल जनसंख्या में जब कृषि भूमि का भाग देते हैं तो वो होता है कायिक जनघनत्व, और जब कृषक जनसंख्या में कृषि भूमि का भाग देते हैं तो वो होता है कृषि घनत्व, है ना, ये ध्यान रखना है। ओके, तो चलो अब यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा कायिक घनत्व का, वो राइट आंसर होगा कुल जनसंख्या भाग कुल कृषि भूमि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी? आपका टाइम शुरू हो चुका है, आपको फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि किस दशक में लिंगानुपात में भारत में सबसे अधिक गिरावट दर्ज हुई। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो। 1911 से 21 के काल में, 21 से 31 के काल में, 61 से 61 क्या हुआ? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था दोस्तों, पता नहीं टाइपिंग मिस्टेक कर दिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 61 से 71 वाला जो काल है ना, 61 से 71 वाला काल, इस काल में लिंगानुपात में कमी हमारे यहाँ देखने को मिली थी। आगे बढ़ते हैं, भारत में मोटे रूप से जनसंख्या का वितरण किस फसल के कस भारत में मोटे रूप पर जनसंख्या का वितरण किस फसल के वितरण प्रारूप के अनुरूप है? टाइम आपका शुरू कर दिया है मैंने, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि किस फसल का जो वितरण है, जनसंख्या का जो वितरण है वो किस फसल के अकॉर्डिंग है? चावल, मक्का, गेहूं, कपास। जैसे आपको पता होगा कि यूएसए में जो चावल का यूएसए में जो जनसंख्या का वितरण है वो मक्का की पेटी के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पे हमारे भारत में जो जनसंख्या का वितरण है वो आप सही कह रहे हैं, चावल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? टाइम इजी क्वेश्चन है, टाइम मैंने शुरू कर दिया है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो कि वो कौन है इनमें से जो टुंड्रा प्रदेश में निवास करता है। आंसर दे दीजिए कि वो कौन है, भील है या बुशमैन है या एस्किमो है या गोंड है, वो इनमें से कौन है? टाइम आपका समाप्त हो गया है। अब दोस्तों यदि हम बात करें कि इनमें से कौन है, तो टुंड्रा प्रदेशों में एस्किमो रहते हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कयाक क्या है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कयाक क्या है? ये एस्किमो से संबंधित है, और एस्किमो की जो नाव है इसी को क्या कहते हैं? कयाक कहते हैं। एस्किमो की जो नाव है यही क्या कहलाती है? कयाक कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शत्रुमुर्ग के अंडों के खोल को बर्तन व आभूषण के लिए कौन सी जनजाति प्रयोग में लाती है? टाइम मैंने शुरू कर दिया है, आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्वेश्चन इजी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे एग्जाम में आए हुए मैंने उठाए हैं। ठीक है, इनमें से एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब दोस्तों क्योंकि मैं क्वेश्चन बनाऊँगा तो क्या होगा, मोस्टली तो मैं बना चुका हूँ इजी, तो अब मैं क्वेश्चन बनाऊँगा तो फिर हार्ड क्वेश्चन बनेंगे, है ना, हार्ड वाले बनेंगे, अपर लेवल वाले, क्योंकि मोस्टली इजी क्वेश्चन तो मैं बना चुका हूं, अब एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उन्हीं को मैं पिक कर रहा हूं। तो शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल को बर्तन और आभूषणों के लिए कौन सी जनजाति प्रयोग करती है? तो यहां पे यदि राइट आंसर की हम बात करें तो कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली जो जनजाति है बुशमैन, वो बुशमैन शत्रुमुर्ग के अंडों को बर्तन आदि के रूप में प्रयोग में लाती है। ये जो क्वेश्चन है ये मानव संसाधन से संबंधित है। आगे, दिप्पा और पेंडा कृषि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा की जाती है? टाइम आपका शुरू हो रहा है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दिप्पा और पेंडा जो कृषि है वो कौन सी जनजाति करती है? दिप्पा और पेंडा कृषि कौन सी जनजाति करती है, बता दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। भील, संथाल, गोंड, बुशमैन। भील, संथाल, गोंड, बुशमैन, फटाफट से आंसर दे दो।
टाइम आपका समाप्त हो चुका है। दिप्पा और पेंडा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार होता है। आगे बढ़ते, तमिलनाडु का कौन सा जिला चावल उत्पादन में अग्रणी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा जिला है जो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है। और एक बात बताऊँ आपको, वो जो जिला है उसको हम दक्षिण भारत का खाद्यान्न भंडार भी कहते हैं, दक्षिण भारत का खाद्यान्न भंडार भी यह कहलाता है। तो आपको फटाफट से आंसर देना है, टाइम आपका समाप्त तो हो गया है। तमिलनाडु का की कौन सा जिला, तो तमिलनाडु का जो जिला है इसमें जिला है हमारा तंजावुर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, तंजावुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोकारो में स्थित लौह इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। बोकारो, बोकारो कहाँ है दोस्तों, झारखंड में है। उसकी स्थापना किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है, आपको फटाफट से आंसर देना है। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो अवकाश काल रहा है, यानी ये स्थापित हुआ था 1964 के आसपास, उस समय तृतीय पंचवर्षीय जो योजना थी उसको रोक दिया गया था और चल रही थी वन ईयर प्लान चल रहा था, यानी हम कह सकते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना का अवकाश काल चल रहा था। तो क्योंकि हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था, हमारे पास संसाधन का अभाव था, तो इसे बीच में ही ड्रॉप करना पड़ा था। उस समय ये जो हमारा उद्योग है वो स्थापित हुआ था पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं, भारत में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग शुरू हुआ। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम उद्योग कौन सा शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा आइडिया लगाना है यहाँ पे। कहने का अर्थ है कि हमारे भारत में पहला जो उद्योग है, चाहे वो लघु उद्योगों के रूप में प्रारंभ हुआ हो, चाहे वो मेजर इंडस्ट्री के रूप में प्रारंभ हुआ हो, आपको यह बताना है कि इनमें से वो पहला इंडस्ट्री कौन है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्या इसका राइट आंसर होगा। टाइम आपका समाप्त हो गया है दोस्तों। इसमें जो हथकरघा उद्योग है ना, हथकरघा यानी कपड़ा उद्योग, हमारे भारत में हथकरघा उद्योगों के रूप में सबसे पहले स्थापित होने वाला उद्योग बना था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कच्चे माल के निकट जिस उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है। टाइम आपका शुरू कर दिया है मैंने, आपको वो बताना है कि इनमें से कौन सा वह उद्योग है जो कच्चे माल के निकट ही स्थापित होता है, ठीक है। तो फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। कच्चे माल के निकट जिस उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है, बताएं। हाँ दोस्तों, तो चीनी उद्योग जो होता है, चीनी उद्योग ये कच्चे माल प्राप्ति स्रोतों के निकट ही स्थापित होता है, क्योंकि इसमें जो गन्ना है एक अशुद्ध कच्चा माल होता है। तो गन्ना जो परिवहन का किया जाता है, परिवहन के भार से बचने के लिए, उसके भाड़े से बचने के लिए, उसकी उद्योग की स्थापना उस चीनी गन्ना उत्पादन वाले जो केंद्र होते हैं उनके समीप ही की जाती है। आगे, BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई। मई 1960, मई 1954, 1965, 1962। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी बता देंगे, मुझे पता है कि भारत में BRO का गठन कब हुआ। तो फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि BRO का गठन कब हुआ। टाइम आपका सीमित है, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। BRO का गठन, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे पूरे भारत में सीमावर्ती क्षेत्रों में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके सहारे सड़कों के निर्माण की सड़कों के निर्माण के लिए यही उत्तरदायी है। तो मई 1960 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, भारत में कितने रेलवे जोन हैं। भारत में कितने रेलवे जोन हैं दोस्तों, ये कह रहा था ना मैं, आए हुए क्वेश्चन मैंने टाइपिस्ट को निशान लगा के भेजे थे अच्छे, तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी पुराना है। तो अगर हम एक्चुअल में बात करें तो वर्तमान में हमारे पास 18 रेलवे जोन हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 17, बट आपको याद रखना कि 18 ही रेलवे जोन हमारे भारत में हैं। विशाखापट्टनम नवीनतम रेलवे जोन है जो दक्षिण तटवर्ती रेलवे जोन के रूप में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, भारत का सबसे गहरे जल का बंदरगाह कौन सा है। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको फटाफट से आंसर दे देना है कि हमारे भारत का सर्वाधिक गहरे जल का बंदरगाह कौन सा है। मंगलोर, पारादीप, विशाखापत्तनम या हल्दिया, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताओ भाई।
टाइम आपका सीमित है, समाप्ति हो गया, अब तो सीमित बोलता हूँ मैं, उसी समय यह समाप्त हो जाता है। तो भारत का सबसे गहरे जल का बंदरगाह है विशाखापट्टनम, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का प्रथम ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ग्रीन एयर नहीं फील्ड, यहाँ पे लिखना भूल गए शायद वो, भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कौन सा है? आपको बताना है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद वाला है या श्रीनगर वाला है या बेंगलोर कोचीन। टाइम आपका मैंने शुरू कर दिया है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए कि क्या होगा, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कौन सा है इनमें से पहला, पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इनमें से कौन सा है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कौन सा है इनमें से पहला, भारत का पहला कौन सा है। ठीक है, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। यदि दोस्तों हम बात करते हैं भारत का पहला, तो यही है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हमारे भारत का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। और भारत राजस्थान में बनने वाला जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है वो DMIC के अधीन बना नीमराना में, और वैसे अगर हम बात करते हैं सिविल एयरपोर्ट के रूप में तो सिविल एयरपोर्ट के रूप में पहला बनेगा या बन रहा है रातानाडा जोधपुर। ये ग्रीन फील्ड होते क्या हैं? ये ग्रीन फील्ड होते हैं प्रदूषण के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से स्थापित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्यक्ष सेवा सेक्टर किस प्रकार का, ये तो आ गया ना, रिपीट हो गया बस दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन फ्रेंड्स, कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।